नमस्कार, झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम कक्षा दसवीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से एक संस्मरण ले रहे हैं जिसका शीर्षक है डायरी का एक पन्ना और इसके लेखक है सीताराम सेकसरिया। आज हम डायरी का एक पन्ना संस्मरण का सार यहां पर प्रस्तुत करेंगे। आपके लिए हम एक जानकारी भी यहाँ शेयर करना चाहते हैं और वो यह है कि हमने कक्षा दसवीं से संबंधित व्याकरण, रस, छंद, अलंकार, काव्य आदि से संबंधित वीडियोस भी बनाए हैं। आप उन्हें हमारे झरोखा चैनल पर आसानी से खोज सकते हैं और उन्हें देख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डायरी का एक पन्ना संस्मरण का सारांश। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया गया था। 26 जनवरी 1930 को पहली बार गुलाम भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस रचना के लेखक सीताराम सेकसरिया भी उन दिनों आजादी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों में शामिल थे। 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना था। लेखक ने उस दिन का विवरण अपनी डायरी में दर्ज किया है, तो उस विवरण को ही इस पाठ के रूप में यहां प्रस्तुत किया गया है। इस दिवस को मनाने के लिए लोगों ने थोड़ी थोड़ी धनराशियां आपस में जमा की थी। कार्यक्रम के प्रचार पर 2,000 रुपए व्यय किए गए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जा सके। उस दिन बड़ा बाजार की सभी दुकानों पर तिरंगा झंडा लहरा रहा था, लोगों में उत्साह था। पुलिस भी इस कार्यक्रम को न होने देने के लिए पूरी तरह से कृतसंकल्पित थी। पुलिस की लारियां गश्त लगा रही थी और घुड़सवार पुलिस भी वहां पर लगाई गई थी। जहां पर सभा होने वाली थी वहां पर पुलिस ने सवेरे से ही अपना घेरा डाल रखा था ताकि लोग ना आए। विद्यार्थियों के नेता अविनाश बाबू ने एक पार्क में झंडा लगाया तो पुलिस ने उन्हें तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जुलूस भी निकलने वाला था। दोपहर के बाद मैदान में लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। स्त्रियां जुलूस बनाकर चली आ रही थीं। एक तरफ पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाल दिया था कि कानून के अनुसार सभा नहीं हो सकती। दूसरी तरफ कलकत्ता की काउंसिल ने यानी वहां की नगर पालिका ने भी अपना एक नोटिस जारी कर दिया था कि 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा, लिहाजा सारे लोग वहां जमा हों। जब सुभाष बाबू अपना जुलूस लेकर आए तो उन्हें चौरंगी पर ही रोक दिया गया, पर भीड़ बहुत थी, उसको तो रोका नहीं जा सका। इस पर पुलिस ने भीड़ पर लाठियां चलाई, सुभाष बाबू पर भी प्रहार किए गए, पर वे आगे बढ़ते ही रहे। वे जोर से वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, तब उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। स्त्रियां जुलूस लेकर आगे बढ़ी, उन पर लाठियां चलाई गईं, धर्म तल्ले पर आकर जुलूस टूट गया, पर स्त्रियां वहीं पर धरना देकर बैठ गईं। इन स्त्रियों को भी तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। जिनको चोट लगी थी उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टर दास गुप्ता उनका इलाज भी कर रहे थे और उनके फोटो भी उतार रहे थे ताकि अखबारों में उन फोटो और समाचारों को दिया जा सके। लगभग 200 लोग घायल हुए, पर कलकत्ता में इतना बड़ा आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए कलकत्ता के लोगों का बहुत नाम हुआ। तो यह था सीताराम सेकसरिया जी की गद्य रचना डायरी का एक पन्ना का सारांश। अगली बार हम इसी रचना के प्रश्नोत्तर करेंगे। आपसे अनुरोध है कि इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।
अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।